नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शशांकपरी जिला रायपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कक्षा आठवीं विषय हिंदी को लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 13। इसका शीर्षक है विजय बेला। यह एकांकी पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। यह पाठ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। 1857 की क्रांति भारतवासियों के मन में एक आत्मबल का संचार करता है। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने में समर्थ हैं। यह आत्मबल 80 वर्ष के सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं के कारण ही संभव हो पाता है। ये कुंवर सिंह कौन है? कुंवर सिंह है जगदीशपुर के महाराजा और इस एकांकी पाठ में इनके पराक्रम गाथा का वर्णन है। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए इन्हें एक गोली बांह में लग जाती है और फिर वे उस घायल बांह को स्वयं काटकर गंगा की भेंट चढ़ा देते हैं। कुंवर सिंह को शक्ति मिलती है अपने रियासत के रैयत, मल्लाह, किसान आदि से, और ये जो प्रजा है ये भी अपने कुंवर सिंह अर्थात महाराजा के प्रति स्नेह भाव को व्यक्त करते हैं और यही सारी बातें इस एकांकी पाठ में प्रस्तुत किया गया है। पात्र जो हैं उनका परिचय देखते हैं। पात्र के रूप में है कुंवर सिंह। यह 1857 की क्रांति के सेनानी, बिहार में जगदीशपुर के महाराज। अमर सिंह, ये कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। हरि किशन सिंह, यह कुंवर सिंह का वफादार साथी है। नाथू सरदार, यह शिवापुर घाट पर मल्लाहों का सरदार है। भीमा, यह एक मल्लाह है। मैकू, ये दूसरा मल्लाह है। पुरोहित जी, ये कुंवर सिंह के राज पुरोहित हैं। और विश्वनाथ सिंह, यह अमर सिंह का हरकारा कहते हैं संदेश वाहक। देखिए, पहले भाग में हमने देखा है कि सरदार जो है झोपड़ी के सामने गंगा से कुछ हटकर अपने साथियों से बात करते हैं और कहते हैं कि चार मीना नावें किनारे पर आ लगी होंगी। कुल 40 नावें हैं। इन 40 नावों को गंगा में डुबा दिया गया था। क्यों डुबा दिया गया था? वो इसलिए कि अंग्रेज जो है इन नावों को न देख पाए। यदि अंग्रेज इन नावों को देख लेते तो इसे गोलियों से छलनी करके इन्हें बेकार कर दिया करते। और चूंकि इन नावों को डुबा दिया गया था, इसके पीछे एक सोच थी और यह सोच थी कुंवर सिंह का, क्योंकि यह उनकी चाल थी कि अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए वे जब यहां आएंगे तो इन नावों के सहारे गंगा को पार करेंगे। तो इसलिए इन नावों को जो पानी में डुबा दिया गया था, इन्हें नाथू सरदार मल्लाहों की सहायता से पानी से बाहर निकालता है। और जब सेना कुंवर सिंह सहित पूरी सेना जब इस तट से उस तट तक पहुंच जाएंगी, तब पुनः इन नावों को तट पर पानी में डुबा दिया जाएगा। हाँ, और ये जो पूरा प्रबंध है, ये पूरा प्रबंध कर रहे हैं कुंवर सिंह। महाराज जो है वो स्वयं सारा बंदोबस्त देखते हैं, सब काम स्वयं ही देखते हैं। सभी सैनिकों को पहले वो गंगा पार कराते हैं, उसके पश्चात वे स्वयं अंत में पार करते हैं। ये एक नेता का गुण होता है। जो नेतृत्व करता होता है उसका यह फर्ज होता है, उसका यह दायित्व होता है कि वे अपनी सेनाओं का भली भांति ध्यान रखे। और ये कुंवर सिंह जो है 80 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके खून में इतना उबाल है कि लोग जो है देखते ही रह जाते हैं। और अंग्रेजों के साथ यह जो लड़ाई है वह बराबर 15 दिन से हो रही है, पखवाड़े भर से हो रही है। कहां कहां लड़ाइयां हो रही है? लड़ाइयां हो रही है अतरौलिया, आजमगढ़, मगहर, ऐसे जो स्थान है, इन स्थानों पर कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों से कसकर लोहा ले रहे हैं।
और ऐसा करते समय कुंवर सिंह के बदन में एक फुर्ती सी आ जाती है। लोग जो देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई बिजली कड़क रही हो, बिजली की चकाचौंध हो, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है। भोजपुर के रैयत के लोग कुंवर सिंह के विषय में गीत भी गाते हैं। गीत क्या गाते हैं? गीत गाते हैं, राजा कुंवर सिंह का राज जिसमें सिरजे सबके काज, कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिनके छूने में थी लाज, ताज पर खिलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। ये गीत कुंवर सिंह के प्रजा जन जो है नित प्रति गाते हैं और इन गीतों को गाकर वे उत्साहित भी होते हैं। अब महाराज जो है वे सभी सैनिकों को पार करा रहे हैं और स्वयं अंत में पार करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और चाल चली थी। देखिए, जब युद्ध होता है तो उसमें चार नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद का, तो इसमें दुश्मन को चकमा देना भी शामिल होता है। तो ऐसे ही कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने एक साथी को अंग्रेजों के पास यह संदेश देने के लिए भेज दिया कि महाराज जो है वो बलिया घाट जो उथला है वहां से हाथियों से गंगा को पार करेंगे। यह समाचार उन्होंने अंग्रेजों तक पहुंचवा दिया। अब अंग्रेज जो यह समाचार को पाकर बलिया घाट की ओर प्रस्थान कर गए और वहां छुप कर बैठे हुए हैं कि कब कुंवर सिंह आएंगे और उन पर आक्रमण करेंगे। और कुंवर सिंह सीवा घाट से नावों के माध्यम से गंगा को पार कर रहे हैं पूरे सैनिकों के साथ। तो सैनिकों को उन्होंने पार करा दिया। अब पार कर गए हैं, तभी नदी में एक नाव दिखती है। अब ऐसे समय में जगदीशपुर से एक अश्वरोही आता है, वो पूछता है कि महाराज कहाँ है। तब वहां जो मल्लाह है, सैनिक है, उन्होंने जवाब दिया कि मल्लाह जो है बस अभी आते ही होंगे। और तभी गोलियों की चलने की आवाजें आने लगती है। गोलियों की आवाज को सुनकर सारे मल्लाह सतर्क होते हैं और महाराज को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं। अब महाराज जब नदी के किनारे पर आते हैं, तट पर आते हैं, तब तक उन्हें एक गोली लग जाती है, उनके हाथ में गोली लग गई, जिसके कारण से वो लहूलुहान हो गए हैं। लेकिन जब तक वो तट पर आते हैं तब तक उनके बांह में एक कपड़ा बांध दिया गया था जहां से रक्त का स्राव हो रहा था वहां। और अंग्रेज जो है अब यहाँ आ गए नदी के किनारे। जब महाराज नदी पार कर रहे थे और गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तभी एक सरदार जो कहता है कि ये जो है गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है जो अंग्रेजों से जाकर मिल गया और महाराज की इस चाल को अंग्रेजों को बता दिया, इसलिए अंग्रेज जो है रास्ते से लौट आए और अभी महाराज जो है नदी पार नहीं कर पाए थे, तभी वे वहां पहुंच गए और गोलियों की बौछार करने लगे, जिसके कारण से महाराज जो है अभी पार नहीं कर पाए हैं। अब नाव करीब आ गई और जल्दी से भीमा मल्लाह जो है नदी की में कूद जाता है और एक रस्सी लेकर जाता है और उस महाराज को शीघ्र से शीघ्र नदी के पार ले आता है। महाराज जो है गोलियों की बौछार झेलते हुए नदी के तट पर पहुंचे और जब कुंवर सिंह नदी के तट पर पहुंचते हैं तब नाथू सरदार से कहते हैं, तुम्हारा यह भीमा मल्लाह बहुत दिलेर है, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके, हम किनारे पर आए हैं, इसका श्रेय जाता है भीमा मल्लाह। ऐसा कुंवर सिंह ने कहा। जब महाराज कुंवर सिंह तट पर आए तो हरभूषण सिंह उनके बांह में लगे हुए खून को देखकर उन्हें यहाँ आराम करने के लिए कहते हैं। तब कुंवर सिंह कहते हैं, खून देखकर डरते हो हरभूषण सिंह, क्योंकि महाराज की चोटें गहरी थी। हरकृष्ण सिंह कहते हैं, दर्द ज्यादा है क्या? तब कुंवर सिंह कहते हैं, यह हाथ बेकार हो गया हरकृष्ण सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है, फिरंगी की गोली। ऐसा कुंवर सिंह थोड़ी सी पीड़ा में कहते हैं हरकृष्ण सिंह यहां। तभी सरदार उन्हें किसी वैद्य के लिए आदमी दौड़ाने की बातें कहता है। कुंवर सिंह कहते हैं, नाथो सरदार, तुम लोग दिलेर हो लेकिन अक्ल मोटी है, मैं और मेरी फौज के आदमी यहां रहेंगे तो भोर होते ही गाजीपुर में फिरंगों का स्टीमर आ पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया कि हम यहां से पार कर रहे हैं। फिर लेकिन सरदार कहते हैं, लेकिन आपको तो तकलीफ हो रही है।
कुंवर सिंह कहते तकलीफ नाथो सरदार, तुमने नशा किया है कभी? सरकार अक्सर किया करते हैं। कुंवर सिंह कहते हैं मुझे भी एक साल से नशा है और यह नशा मुझे फिरंगियों ने दिया है। फिरंगियों ने क्या नशा दिया है? फिरंगियों ने यह नशा दिया है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। कुंवर सिंह कहते हैं जीत और हार क्या है, अरे युद्ध भी एक हुनर है, एक कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना ये युद्ध की कला नहीं है, असली हुनर है शतरंजी चालों में मात पर मात देने में। केवल युद्ध करना है इसलिए युद्ध में भिड़ जाए ये युद्ध का कौशल नहीं है, ये युद्ध का कला नहीं है। यो युद्ध के लिए क्या करना पड़ता है, उसको चाल पर चाल मात देना पड़ता है। जैसे शतरंज में चालें होती हैं वैसे ही चालों में इन्हें फंसाना और फंसा कर उन्हें मात देना, इसमें मजा है। तुम कहते हो मैं घायल हूं, अरे मैं कहता हूं जो कलावंत होता है, जो कलाबाज होता है, जिसके पास कला होता है, वो अपना हुनर दिखाने में यदि चोट खा जाए या उसे चोट लग जाए तो वह जो चोट होती है वह उसका श्रृंगार हो जाती है। और मेरे हाथ में ये जो चोट देख रहे हो ये चोट नहीं है, ये हमारे जैसे कलावंत जो है, कलाबाज जो है, हुनरबाज जो है, उनके शरीर का ये श्रृंगार है। कुंवर सिंह कहते हैं तुम मुझे बहादुर कहते हो, मैं मौत से डरता नहीं, मगर देखिए बहादुर तो हूं लेकिन मैं ऐसा बहादुर नहीं हूं जो मौत से डरता हूं, लेकिन मैं ऐसा बहादुर हूं जो मौत को न्योता भी नहीं देता हूं। मैं आगे बढ़ना भी जानता हूं और मौके पर कदम पीछे भी हटा सकता हूं। देखिए होशियार वही व्यक्ति होता है, बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो समय पर पढ़ने पर आगे बढ़े और समय पढ़ने पर कदम पीछे हटा ले। तो वैसे ही कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कभी आगे बढ़ते हैं और कभी अपना कदम पीछे भी हटा लेते हैं। तो इसके पीछे कुंवर सिंह का दिमाग है। कुंवर सिंह हरिकृष्ण सिंह महाराज के लिए एक डोली के बंदोबस्त करने की बात करता है। जब डोली की बात हरिकृष्ण सिंह करता है तब कुंवर सिंह कहते हैं हरिकृष्ण सिंह मुझे मेरे बुढ़ापे की याद न दिला, यहां से जगदीशपुर कितनी देर का रास्ता होगा? तब वह अश्वरोही जगदीशपुर से आया हुआ था वह कहता है महाराज घोड़े भर से रात भर का रास्ता है, डोली में जाएंगे तो देर लगेगी, ऐसा अश्वरोही ने कहा। तब उस अपरिचित व्यक्ति के द्वारा इस तरह के उत्तर दिए जाने पर कुंवर सिंह से पूछते हैं तुम कौन हो? अश्वरोही कहता है मैं अभी जगदीशपुर से आया हूं और महाराज के पास ही आया हूं, ऐसा उसने कहा। महाराज ने कहा तुम मेरे पास आए हो और अब तक चुपचाप क्यों खड़े हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब अश्वरोही ने जवाब देते हुए कहते हैं मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है और यह खरीता दिलाया, खरीता कहते हैं पत्र है चिट्ठी को। कुंवर सिंह से पूछते हैं इसने भेजा है? तब वो अश्वरोही जिसका नाम था विश्वनाथ वो कहता है कुंवर अमर सिंह ने। कुंवर सिंह कहते हैं पढ़ो हरिकृष्ण सिंह क्या लिखता है। विश्वनाथ तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो, नालायकी के लिए गोली सुला देता हूं, इतनी देर से आए हो और मेरे भाई का चिट्ठी लेकर आए हो और अभी तक तुमने बताया नहीं, चुपचाप खड़े हो, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए, तुम्हारी इस नालायकी के लिए मैं तुम्हें गोली से उड़ा दिया। विश्वनाथ कहता है खता हूं महाराज, मैं समझा महाराज घायल है तो मैं बाद में निवेदन करूं, ऐसा मैंने समझा। कुंवर सिंह कहते फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से पिछड़ा हुआ हूं उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतजार करूं? अरे जब मैं ठीक हो जाऊं तब उसकी चिट्ठी पढ़ूंगा, वो क्या संदेश भेजा ये मैं जानने का प्रयास करूंगा? ऐसा नहीं है, जगदीशपुर वापस पहुंचने के लिए मैंने आजमगढ़ को छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए ये सब जाल मैंने रचा। हरिकृष्ण सिंह कहता है वह तो अब तक जगदीशपुर पहुंच गए होंगे, कौन अमर सिंह, क्या यही लिखा है, पूरी बात कहो हरिकृष्ण सिंह, ऐसा कुंवर सिंह ने कहा। हरिकृष्ण सिंह कहते हैं फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है, कुमार अमर सिंह आज ही दल बल सहित वहां पहुंच रहे हैं, दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है, बस आपको पहुंचने भर की देर है, भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे फिर से जमा हो रही है, आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा है। आजमगढ़ में जिस तरह से आपने लड़ाई की इसकी यह प्रसिद्धि जो है, इसकी प्रसिद्धि जो है वो चारों दिशाओं में दिन दूनी रात चौगुनी
बढ़ रही है। असर असर का तात्पर्य होता है प्रभाव। कुंवर सिंह कहते हैं और फिरंगी, हरिकृष्ण सिंह फिरंगियों के बारे में बताते हैं, अंग्रेजों को फिरंगी कहते हैं, अंग्रेज को, अंग्रेजों के बारे में हरिकृष्ण सिंह बताते हैं महाराज को, कहते हैं आरा में ही है, अर्थात जंगल के पास जो लगा हुआ गांव है वहां पर ही है, और जंगल की वजह से उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, मगर आगे वे हमले करेंगे ये अवश्य। कैसे? क्योंकि वे हमले की तैयारी जोरों से कर रहे हैं, ऐसा हमारे जो जासूस हैं उन्होंने खबर दिया है। कर्नल लेगार्ड नामक अफसर एक दो दिन में ही हमला करने वाला है। ये कैसे पता चलता है? ये इसलिए क्योंकि जंगल के किनारे रसद का सारा सामान पहुंचाया जा रहा है, अर्थात खाने पीने का जो सामान है वो सब जंगल के किनारे पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो अंग्रेजों के सैनिक वहां रहें और वहां से फिर जंगल को पार करके हमारे राज्य पर आक्रमण करें। यदि ऐसी बात है तो हम अभी रवाना होंगे, अभी कूच का डंका बजाओ, कूच का डंका बजाओ, मतलब अभी आगे बढ़ने की तैयारी करो, सवेरे तक पहुंचना है, तुम लोग चाहो तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो, सुन, कुहनी की चोट ने इस हाथ को ही बेकार नहीं किया है, बल्कि इस हाथ के कारण सारे बदन में जहर फैलना शुरू हो गया है, ऐसा महाराज ने कहा। तो हरिकृष्ण सिंह महाराज को कहते हैं, महाराज फौज को आगे बढ़ने दें, आप पीछे चले। हरिकृष्ण सिंह कहा, तुम समझते नहीं हो हरिकृष्ण, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है, इसलिए शीघ्र से शीघ्र वहां मुझे पहुंचना होगा। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं और मैं भी बेताब हूं फिरंगी से बदला लेने के लिए। उसने मेरा मंदिर ढहाया, मेरा राजमहल उन्होंने ढहाया है, राजमहल को उन्होंने मुझसे छीन लिया है। उसने मेरे भोजपुर के गरीब रैयत को सताया है, गरीब प्रजा को सताया है, जिस प्रजा के अरमानों का मैं आईना हूं, मैं रुक नहीं सकता। हरिकृष्ण से कहते हैं, लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, महाराज आप तो घोड़े पर भी देर तक चढ़ नहीं सकेंगे। कुंवर सिंह कहते हैं, उसका भी इलाज है, जिस भुजा को फिरंगी की गोली जहरीला बना रही है, यह गलती हुई सड़ती हुई भुजा है, इसे अलग करना ही होगा, अर्थात उस भुजा को अलग करना है, ऐसा महाराज द्वारा कहे जाने पर हरिकृष्ण सिंह कहते हैं कि यह क्या कह रहे हैं महाराज, ये कैसे संभव होगा। कुंवर सिंह कहते हैं, तुम जाकर किसी हकीम या किसी वैद्य से जाकर पूछ सकते हो, किसी गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है, और फिर यह भुजा जिसे फिरंगी की गोली अपवित्र बना चुकी है कोई तुम में से माई का लाल जो एक ही बार में इस भुजा को अलग कर दे? तुम नाथू सरदार नहीं, तुम विश्वनाथ तुम भी नहीं, भीमा कोई नहीं, हरिकृष्ण सिंह उठा फट, मेरे मुंह से आह होने निकलेगी, तुरंत इस बांह को मेरे शरीर से अलग कर दो। ये कुंवर सिंह, लेकिन हरिकृष्ण से मालिक पर हाथ उठाओ महाराज, यह मुझसे ना होगा, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो कुंवर सिंह कहते, अच्छा तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसा करके महाराज जो है तलवार निकालते हैं और फिर कहते हैं, तुम सब मेरी बात नहीं मानते, ना मानते, लेकिन मेरी प्यारी तलवार तो मेरा कहना मानेगी, इसकी तेज धार का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा, अर्थात मेरे इस हाथ को जो फिरंगी की गोली से मैला हो गया है, गंदा हो गया है, उसे झट से धो देगा। कुंवर सिंह कहते हैं, आओ मेरे साथ गंगा के किनारे, उन्हीं के मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धार में यह भुजा अर्पित करूंगा, आओ और घोड़ा भी यही ले आओ, ऐसा महाराज कुंवर सिंह कहते हैं। कुंवर सिंह गंगा मैया को अपना हाथ भेंट करने के लिए गंगा मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहते हैं, एक हाथ तो उनका ढीला हो गया था, गंदा हो गया था, गोली से कारण से लटक गया था, तो वे गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तुम्हारे इस बेटे ने बहुतेरी खून की नदियां बहाई हैं, आज एक अनोखी भेंट लो माँ, फिरंगी की गोली से अपवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो, माँ मुझे शक्ति दो, तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर मैं शपथ खाता हूँ, जल हाथ में लेकर शपथ खाते हैं, और जब तक तन में जान है यह देश सेवा में लगा रहेगा, तो यह भेंट लो मां, जय गंगा मैया की, ऐसा करके तलवार से अपने हाथ को काट देते हैं, और जैसे ही कुंवर सिंह का हाथ कटता है और वैसे गंगा मैया की ऊंची ऊंची लहरें उमड़ने लगती है, और कुंवर सिंह कहते हैं, आहा ऊंची ऊंची लहरों से मां तुमने मेरी भेंट स्वीकार की, मां मां तुमने मुझे धन्य किया, ऐसा कुंवर सिंह गंगा मैया से कहते हैं।
तो इस तरह से गंगा पार करते हुए कुंवर सिंह को जो गोली लगी थी जिसके कारण से उनका हाथ बेकार हुआ था, उस हाथ को कुंवर सिंह ने गंगा को भेंट कर दिया और फिर आगे बढ़ गए जगदीशपुर के लिए। 5 दिनों बाद जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह का महल का दृश्य है। दूर से सनमाई की आवाज सुनाई दे रही है जो कभी कभी बंद भी हो जाती है। कुछ लोग खड़े हुए हैं और अमर सिंह यहाँ आता है। अमर सिंह कहते हैं, यहाँ सनमाई? वो जोगदार सिंह, जोगदार कहता है, बंद करो यह सनमाई, महाराज को आराम की जरूरत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आए हैं जोगदार। जोगदार किसे कहते हैं? जोगदार का तात्पर्य होता है जो राजा महाराजा या जो अन्य रईस लोग होते हैं, इनके संदेश लाने ले जाने का कार्य करते हैं, या डोली या सवारी जब चलती है तब ये सवारी के आगे आगे चलते हैं, ये कहलाते हैं जोगदार। तो वो कहता है कि इस समय सहनाई यह उचित नहीं है क्योंकि महाराज घायल है, उन्हें आराम की जरूरत है। हरिकृष्ण सिंह उन्हें कहते हैं कि यह महाराज की ही आज्ञा है कि सहनाई बजेगी। अमर सिंह कहते हैं, हरिकृष्ण तुम महाराज के हट को नहीं रोकते? अरे उन्होंने कह दिया और तुमने कर दिया, अरे महाराज को समझा सकते थे, उनको रोक सकते थे। हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, महाराज वो उनके भाई हैं, वो आपकी बात नहीं मानते तो भला मैं तो सेवक हूँ, मेरी बात भला वो कैसे माने या मैं कैसे उन्हें रोक पाऊँ, ऐसा हरिकृष्ण सिंह कहते हैं। हरिकृष्ण सिंह आगे बात करते हुए कहते हैं, वे आपकी धीरी का लोहा मानते हैं गंगा के तट पर, जैसे ही आपका संदेश उन्होंने पाया जगदीशपुर आने के लिए बेताब हो उठे। अमर सिंह कहते हैं, मैं दंग हूं कि दादा ने, दादा कहते हैं बड़े भाई को, तो दादा ने यह लोहे का बदन, यह न थकने वाला दिमाग कहां से पाया और रात ही रात चल घोड़े पर चलकर यहां पहुंचे, कटी हुई भुजा, घायल बदन, न नींद न आराम, और यहां आते ही दूसरे दिन फिर से किरणियों के साथ उन्होंने घमासान लड़ाइयां की और फिर उस लड़ाई में विजय प्राप्त की। हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, यह महाराज के सबसे बड़े वजह थे, और यदि तत्काल यह युद्ध नहीं किया जाता तो इस पे विजय असंभव हो जाती, और तत्काल युद्ध करके महाराज कुंवर सिंह ने सैकड़ों गोरे सिपाहियों को मार दिया और उनकी सारी रसद, उनके सारा जो खाने पीने का जो सामान था जिसको आराम में उन्होंने इकट्ठा करके रखा था वो सब हमारे हाथ में लग गया। कुंवर सिंह कहते हैं, अब फिरंगी इस इलाम के में मुंह ना दिखा सकेंगे। उनसे बात करते हुए कहते हैं, कर्नल लेनार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी पट्टा लगा है। अमर सिंह कहते हैं, यह दादा की ही अनोखी सोच थी कि पहले दुश्मन को जंगल में दूर तक घुस आने दो और फिर हठात तीनों तरफ से छापा मारो, और यह जो जंगल देख रहे हैं ना जगदीशपुर का, यह कवच है और इस जंगल में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को अंदर तक घुस आने दिया और उसके बाद फिर तीन तरफ से उन पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों के समक्ष कुंवर सिंह के इस चाल का कोई जवाब नहीं था, फलता हुए परास्त। जोरदार कहते हैं, मालिक पुरोहित जी पधारे हैं। अमर सिंह कहते हैं, आने दो उन्हें। वो कहते हैं, पुरोहित जी कहते हैं, कैसे हैं महाराज, मेरे पास आज्ञा पहुंची कि तुरंत बुलाया है। अर्थात कुंवर सिंह ने पुरोहित जी को बुलाया था। अब अमर सिंह जगदीशपुर के महल में कंपनी के झंडे के स्थान पर भारतीय झंडा को देखकर संतोष को पुरोहित जी ऐसा पुरोहित जी से पूछते हैं। पुरोहित जी कहते हैं, महाराज एक दिन फिरंगियों के अत्याचार को देखकर महा असंतोष हुआ था, बहुत दुख हुआ था क्योंकि उन अंग्रेजों के द्वारा, उन फिरंगियों के द्वारा महल के वृक्षों पर लाशें टांग दी गई थी और तो और मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बारूद से उड़ा दिया था, और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से वो फिरंगी किन कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में सोच नहीं पा रहे हैं, तो ये सब आपके प्रताप का ही फल है। अमर सिंह कहते हैं, पुरोहित जी दादा अर्थात हमारे बड़े भाई कुंवर सिंह ये काल और उम्र के बंधनों से परे हैं, 80 वर्ष की उम्र हो गई है लेकिन काल उन्हें छू नहीं पाया है, उम्र का बोझ उनके शरीर में दिखाई नहीं देता, आज भी वैसा ही जोश है जैसे युवा अवस्था में है, आज भी वे 80 वर्ष के बूढ़े नहीं है अपितु 80 वर्ष के युवा ही हैं। पुरोहित जी कहते हैं, आपने ठीक ही कहा, उन तक काल की पद दलित धूल नहीं पहुंच सकी है। तभी हरिकृष्ण सिंह जो है संदेश देते हैं कि कुंवर सिंह
इधर ही आ रहे हैं। पुरोहित कहते हैं, महाराजा धीराज कुंवर सिंह की जय हो, महाराज आपको इस घायल अवस्था में बाहर आना उचित नहीं है, ऐसा पुरोहित जी ने कहा। कुंवर सिंह कहते हैं, कौन पुरोहित जी, आप आ गए? पुरोहित जी कहते हैं, महाराज का पता द्विगुण होकर चमक रहा है इस राजसी वेशभूषा में। कुंवर सिंह कहते हैं, जानते हो हरिकृष्ण सिंह, आज मैंने यह ठाट क्यों रचा है? नहीं जानते? हरिकृष्ण सिंह कहते हैं, महाराज थोड़ा सा लेट है। कुंवर सिंह कहते हैं, यह निवास लेटने के नहीं है हरिकृष्ण सिंह। अमर सिंह, हाँ भैया। अमर सिंह कहता है, मैंने कुछ और लोगों की बुलाया है। पुरोहित जी कहते हैं, बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में है। हरिकृष्ण जी कहते हैं, हमने भोजपुर के सब परगनों के जेठ रैयत सबको बुलाया, सब आए हैं। कुंवर सिंह कहते हैं, उन सबको भीतर ले आओ। कुंवर सिंह कहते हैं, हाँ, यह महल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है और उतना ही उनका भी है। कुंवर सिंह पुनः कहते हैं, और जोता उन्हें भी बुलाओ, क्या नाम था उस मल्लाह का? हरिकुसुम, नाथू सरदार और भीमा मल्लाह, इन सबको अंदर बुला लाओ, ऐसा कुंवर सिंह जो है चौथा से कहते हैं। पुरोहित जी कहते हैं, महाराज आपकी भुजा बहुत सूज रही है, बहुत सूजन आ गया है इसमें, आप थोड़ा विश्राम करें। कुंवर सिंह कहते हैं, पुरोहित जी 8 महीने पहले आपने मदिरा का एक घूंट पिलाया था, राजपूती आन का घूंट, विदेशियों से प्रतिशोध लेने की मदिरा का घूंट। कुंवर सिंह कहते हैं, पुरोहित जी नशा उतर रहा है, बुढ़ापे के बंधन जो टूक टूक हो गए थे फिर से जुड़ गए हैं, अर्थात फिर से बुढ़ापा आ रहा है ऐसा मुझे लगता है। अब महाराज के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर छोटे भाई अमर सिंह का गला जो है रूंध जाता है, गला से ठीक से कुछ बोल नहीं पाते हैं। कुंवर सिंह कहते हैं, छी अमर सिंह, तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तो मेरी विजय की बेला है, आज तो फिरंगी के अरमानों की कब्र पर मेरा सिंहासन जम रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू, इधर देखो रैयत मल्लाह और ग्वाले ये सब के सब आए हुए हैं। अमर सिंह कहते हैं, दादा कौन सी शक्ति है जिसने आपके प्राणों में अचूक साहस का तूफान फूंक दिया था, मुझे भी उसका वरदान दीजिए ताकि मैं भी आपके जैसा इस जनता का सेवा कर सकूं और अंग्रेजों का मुकाबला कर सकूं। तब कुंवर सिंह कहते हैं, देखो मेरे शरीर में यह जो शक्ति देख रहे हो, जो स्फूर्ति देख रहे हो, वह जेठ रैयत मल्लाह किसान यही मेरी शक्ति हैं, जिनके बल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है, और यह वह तुरही जिसकी आवाज मेरे गली से निकलती थी और फिरंगी भाग निकलते थे। अमर सिंह, नेह के बिना ज्योति कैसी और प्रजा के बिना राजा कैसा, इनका साथ न छोड़ना भैया, अर्थात जब तक तुम राजा रहोगे, जब तक तुम भोजपुर में राज करोगे, सदैव प्रजा को अपने साथ रखना, इनके सुख दुख में काम आना। अमर सिंह कहते हैं, मैं समझ रहा हूं दादा आप क्या कह रहे हैं। कुंवर सिंह कहते हैं, अरे शहनाई क्यों बंद कर दी? पुरोहित जी तिलक लगाइए, तिलक, आप चुप क्यों हैं? कुंवर सिंह का राज तिलक और यह चुप्पी? हरिकृष्ण सिंह, हाँ भीमा मल्लाह। कुंवर सिंह भीमा मल्लाह से कहते हैं, भीमा तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत न सुनाओगे? आज मल्लाहों का वह गीत सुनाओ जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना, वह जो धरती की आवाज है। तब भीमा और उसके साथी बहुत हल्के हल्के स्वर में गीत गाते हैं, राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें दीन बने सरताज, कि जिसके छूने में भी लाज कुंवर सिंह। अब ये गीत गा ही रहे हैं, कुंवर सिंह कहते हैं, और जोर से। तब भीमा और उसके साथी फिर गाते हैं, ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। अब ये गीत चल ही रहा है, ऐसे में कुंवर सिंह कहते हैं, सुनी वह आवाज, गंगा मैया की आवाज। अमर कहते हैं, सुन रहा हूं अमर सिंह, उन फिरंगियों को छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं आरा पर आक्रमण करूंगा, मैं आरा पर हमला करूंगा कल ही। और कुंवर सिंह कहते हैं, गंगा मैया तुम मेरी भुजा से संतुष्ट नहीं हो तो लो, मैं अपने आप अर्पित करता हूं। पंडित जी पुरोहित जी कहते हैं कि दीपक बुझ रहा है और स्वर मंद हो जाता है। अमर सिंह दादा दादा कहते हैं और पर्दा
गिरता है, गाने की गूंज जारी रहती है। प्यारे बच्चों, यह पाठ विजय बेला 1857 की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें कुंवर सिंह जैसे महाराजाओं ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और इस पाठ में किस तरह से राजा महाराजा प्रजा का साथ देते थे और प्रजा भी किस तरह से राजा महाराजा का साथ दिया करती थी, इसका एक सुंदर नमूना इस विजय बेला पाठ के माध्यम से देखा। वास्तव में राजा का प्रजा के प्रति प्रेम और प्रजा का राजा के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी सुशासन स्थापित हो सकता है, कोई कार्य सफल हो सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह प्रेरणा भी मिलती है कि किसी भी शक्ति का मुकाबला करने के लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है। केवल बल होना पर्याप्त नहीं है, अपितु बल में बुद्धि का योग भी होना आवश्यक होता है। जिस तरह से बुद्धि का प्रयोग कुंवर सिंह ने करते हुए अंग्रेजों को खूब छकाया था और अपना राज्य जगदीशपुर पुनः प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा, आइए इसके आधार पर कुछ प्रकार के प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा, प्रश्न नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए क्या सीख देते हैं और क्यों। अगला प्रश्न है, नावों को गंगा जी में डुबो देने के लिए महाराज कुंवर सिंह ने क्यों आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महाराज कुंवर सिंह बहुत अधिक बीमार होने पर भी जगदीशपुर जाने के लिए क्यों बेताब थे। और अगला प्रश्न लिखेंगे, इसमें इन पंक्तियों का अर्थ प्रसंग देकर लिखिए। क, मैं मौत से नहीं डरता पर मौत को न्योता भी नहीं देता। ख, कलावंत अपना हुनर दिखाने में चोट खा गया तो उसकी वह चोट सिंगार हो जाती है। ग, मेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा। तो इन पंक्तियों का आप प्रसंग सहित अर्थ लिखेंगे। और जैसे इस पाठ में हम वीर सेनानियों के बारे में 1857 की क्रांतिकारी जो थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त किए, ऐसे ही 1947 की भी क्रांति हुई, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1857 से 1947 तक जितने क्रांतिकारी हुए हैं इन सब के विषय में आप जानकारियां प्राप्त करेंगे और किसी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में 10 पंक्तियां लिखेंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। और ऐसा करके आप अपने विषय शिक्षक को इसका परीक्षण करेंगे, दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, सबको मेरा नमस्कार।